नमस्कार किसान साथियों, फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सेहतमंद व तंदुरुस्त होंगे। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं के बाज़ार में जो तेज़ी के सार बन रहे हैं उसके बारे में जो भी रिपोर्ट है आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे किसान भाई इस चैनल पर नए हैं वह कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूला करें, ताँ जो हर एक किसान भाई के पास ऐसी सही जानकारी पहुंच सके। तो आओ किसान भाइयों, अब शुरू करेंगे। तो जैसे कि गेहूं के बाज़ार में तेज़ी के सार बन रहे हैं, तो उसका जो प्रमुख कारण है वह गेहूं उत्पादन में गिरावट के चलते हाजिर मंडियों में आवक बहुत कम रह गई है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि गेहूँ आटा आदि में महंगाई को काबू किया जाए और इसी कड़ी में FCI ने खुले बाज़ार में बिक्री करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गेहूं पहली ई नीलामी 28 जून को होने वाली है। इस बीच में गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू होने के बाद व्यापारी मुनाफा वसूली भी कर रहे हैं। व्यापारियों को इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं सरकार गेहूं का आयात ना खोल दे, इसलिए दिल्ली रोरस रोड भाव बीते सप्ताह 2450 रुपये से 2455 रुपये रह गया है। तो पाइपलाइन पूरी तरह खाली है और मांग निरंतर बनी हुई है, जिससे बाज़ार कुछ दिन बाद 2500 का भाव पार कर सकता है। माना जा रहा है कि 2600 से 2650 के भाव तक आयात नहीं खुलेगा। तो किसान भाइयों, यह थी कि गेहूं के बाज़ार में तेज़ी आने का जो भी आसार है उसके बारे में पूरी एकदम सही रिपोर्ट। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और अपने अपने एरिए का जो भी गेहूं का भाव है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तथा जो मेरे किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो भी जानकारी है आप तक वीडियो अपलोड होते ही मैसेज आ जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।